नेहा कमिंग मम्मी। अरे कब से कमिंग कमिंग कह रही है, आ जा खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर कहेगी फिर से गर्म करके दो। बस आ रही हूँ ना। नेहा निकी को रोहित पसंद आ गया, इसका मतलब है राहुल से जान छुटी, जीना हराम कर दिया था उस लड़के ने। मैं सोच रही हूँ कि नरेश से कहकर निकी और रोहित की शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए, तू क्या कहती है? मम्मी देखो, अगर निकी रोहित के साथ लंच करने बाहर गई है तो ये बहुत खुशी की बात है। हैरत की बात तो सिर्फ ये है कि निकी इतनी जल्दी राहुल को कैसे भूल गई। अरे हैरानी तो मुझे भी बहुत हुई थी, लेकिन राहुल जैसे खोटे सिक्के को निकी को कभी ना कभी तो पहचानना था ही ना। मुझे राहुल से नफरत हो गई है, लेकिन इतनी कोशिश करने पर भी मैं उसे भुला नहीं सकी। नेहा ना तो औरत अपना पहला प्यार भूलती है और ना ही मर्द। मेरी बात मान ले, इसका एक ही इलाज है, शादी कर ले। ऐसी शादी का क्या फायदा मम्मी, सामने कोई और दिल में कोई और। नेहा यादों की दुनिया में दर्द ही दर्द है, बाहर निकल इस सन्नाटे से वरना। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी वापस आ गई? खैरियत तो है? क्या हुआ, रोहित नहीं पहुंचा क्या? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्या हो गया ऐसे? देखती हूँ। मामी प्लीज बैठिए। लेकिन पूछ तो लूँ क्या हुआ है? पूछा था ना, जवाब दिया क्या? आपके लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, कितनी बदतमीज हो गई है। अभी इतने गुस्से में लग रही है, अब जाकर पूछेंगे और बदतमीजी करेगी। अब आप प्लीज खाना खाइए, उससे बात करने के लिए वक्त कहीं भागा नहीं जाएगा। लेकिन नेहा। मम्मी प्लीज आप खाना खाइए, वरना मैं भी बगैर खाए उठ जाऊंगी। निकी कहीं रिश्ता तो नहीं तोड़ कर आई है? शायद वो रिश्ता तोड़ने ही गई थी। ये क्या कह रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? पहला प्यार? What nonsense रोहित, शादी के लिए लड़की तुमने खुद पसंद की, तुम्हारे कहने पर हम उसके पेरेंट्स से मिले, रिश्ता तय किया और अब तुम खुद ही बनी बनाई बात बिगाड़ रहे हो, क्यों? हाँ बेटे बता तो सही कि आखिर हुआ क्या जो इतनी जल्दी तेरी पसंद नापसंदी में बदल गई? मम्मी वो लड़की नॉर्मल नहीं है, ना ही वो हमारे खानदान के लायक है, ना ही सोसाइटी में मिक्स होने के। लेकिन वजह बताओ, वजह क्या है? अब क्या वजह बताऊं डैड, शी इज एब्सोल्युटली क्रेजी। मैं उसे घर से रेस्टोरेंट तक लेकर गया, अच्छी भली थी कि अचानक उसे दौरा पड़ा और क्या बताने बेटी, और क्या? शी स्लैप मी। जी सबके सामने उसने मुझे चाटा मारा है। बट व्हाई, डैम इट व्हाई? बिकॉज़ शी इज नट्स डैड, वो लड़की पागल है। इसका मतलब है कि उसके माँ बाप हमें धोखा दे रहे थे, एक पागल लड़की को हमारे सर बांध रहे थे। नरेश मल्होत्रा को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। आप उनसे माफी मंगवाइए डैड, और मैं उस लड़की को इस चांटे का ऐसा जवाब दूंगा वो जिंदगी भर याद रखेगी। निक्की लंच से जल्दी वापस आ गई तो मुझे ऑफिस से फोन करके फौरन बुलाने की क्या जरूरत है? आज टेंडर भरने की आखिरी तारीख है। एनीवे क्या आफत आ गई थी? यही तो पता नहीं चल रहा डैडी, निकी बड़े टेंशन में आई थी, हमने उसे वजह पूछी, उसने जवाब तक नहीं दिया, सीधे अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लिया। तो दरवाजा खुलवा सकती थी? नहीं खोल रही थी तो तोड़ देते हम दोनों मिलकर। जब दो लड़कियां संभाल नहीं सकती थी तो पैदा ही क्यों की? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लाड प्यार में दोनों को खुद ने बिगाड़ा है और इल्जाम मुझ पर। निकी बेटी दरवाजा खोलो, मैं हूँ। निकी अरे क्या हुआ निकी, रो क्यों रही है? ना बेटी क्या हुआ? पापा आपने क्यों भेज दिया मुझे लोफर के साथ? लोफर? हाँ वो लंदन वाले हम हिंदुस्तानियों को समझते क्या है? वहाँ बगैर शादी किए जो लड़का लड़की करते हैं, क्या हमें भी यहाँ वही करना है? शर्म आया जैसी चीज तो है ही नहीं उन लोगों में। They don't know anything about our customs. लेकिन हुआ क्या बेटा? पापा वो हुआ मैं आपको नहीं बता सकती। देख बेटी मैं तेरा पापा हूँ लेकिन मैं तेरा दोस्त भी हूँ।
Come on, speak up. Tell me. पापा, उसने उसने मुझे वहाँ उसने उसने कहीं तुम्हारी No, Dad. अगर मैं वहाँ संभल नहीं जाती तो वो भी सब कुछ हो सकता था. संभल नहीं जाती मतलब? He kind of tried to kiss me from there. What? Hell, he will pay for it. I tell you, his whole family will pay for it. नरेश, you will see. नरेश, रोहित के पापा हैं. धक्के मार के निकला दो साले को बाहर. Throw him out. क्यों? निकी, क्या बताया इसने? पहले मैं इस लंदन रिटर्न से निपट के आता हूँ. क्या हुआ? मुझे शादी करके मत भेजो, please. I'm scared, ma. Okay, okay, relax. बहुत खूब. शर्मिंदा होने के बजाय, माफी मांगने के बजाय आप झगड़ा करने आए. मिस्टर नरेश मल्होत्रा, माफी आपको मांगनी है, शर्मिंदा आपको होना है. बहुत बड़ा हौसला है आपका. कैसे बाप हैं आप? गलती आपका बेटा करे और माफी मैं मांगू? माफी आपको मांगनी है, जो मांगनी पड़ेगी. आपकी बेटी ने मेरे बेटे के मुंह पर चांटा मारा है. भारी गलती हो गई उससे. उसे चांटा नहीं मारना चाहिए था, उसे लात मारनी चाहिए थी. लात? जरा तमीज से बात कीजिए मिस्टर नरेश मल्होत्रा. आप किसी फुटपाथी से बात नहीं कर रहे हैं. क्यों, लंदन में फुटपाथ नहीं होते? वैसे भी लंदन में रहने से किसी का बेसिक कैरेक्टर नहीं बदल जाता. आपने अपने बेटे से पूछा कि निकी ने उसे चांटा मारा क्यों? Because she is a crack. पागल है आपकी बेटी. Shut up and get lost. वरना क्या कर लोगे तुम? जबान बाहर खींच लूंगा, पत्ती से निकाल दूंगा बाहर. या कम से कम वो तो जरूर करूंगा जो मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ किया था. तो क्या चांटा मारोगे मुझे? कम से कम. I dare you. And there you are. नरेश, आ रे प्लीज. नरेश, क्या कर रहे हो? कहो इससे कि चला जाए यहाँ से. मैं भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ मिस्टर मल्होत्रा. बच्चे अगर गलती करे तो शरीफ आदमी का फर्ज है कि उसे रोके. वेरी गुड, आप तो शरीफ आदमी है ना, तो उसके कान खींचने के बजाय यहाँ झगड़ा करने क्यों आए हैं? जाइए और पूछिए उससे कि उसने निकी को किस करने की कोशिश क्यों की. किस? जी हाँ, किस. ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं आप. जाकर बेटे से पूछ लेना, और अगर सच निकले तो यहाँ आकर मेरे पैर छूकर माफी मांग लेना. और अगर ये बात झूठ निकली तो आपको मेरे पैर छूकर माफी मांगनी पड़ेगी मिस्टर नरेश मल्होत्रा. अरे डैड, ये आपने क्या किया? निकी हम सबके साथ गेम खेलती आ रही है, ये जानते हुए भी आपने उसकी बात को सच मान लिया. अगर उसकी बात झूठी साबित हो गई तो ये बाप बाप नहीं रहेगा, हड्डी पसली एक कर देगा उसकी. आप खुद मचा कर रखी इस लड़की ने, नाक में दम कर दिया है. अरे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती है. मुझे तो इसमें भी निकी का कोई प्लान लग रहा है. अरे अगर होने वाले हस्बैंड ने किस कर भी लिया तो इसमें उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? उसे समझाया जा सकता था, उसे प्यार से डांटा जा सकता था. थप्पड़ मारने का क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो बनी बनाई बात को बिगाड़ना चाहती थी. आजकल तो निक्की की बात पर शक करने लगी, हर बात पर शक करने लगी. अरे मम्मी, मेरी बात मानो, उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दो, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ना, उसे वापस मत बुलाना. There's no other way. मालिक, आओ प्यारे, आओ. प्यारे, लगता है तेरे तावीज का असर अब खत्म होता जा रहा है. मुझे कुछ शक था, इसलिए मैं ये दूसरा तावीज लेके आया हूँ, उससे भी ज्यादा पावरफुल, एकदम धमाका. तो यहाँ क्या कर रहा है? जाके दे अंदर. हाँ. अभी देखा. निक्की बेटी, बाबा तुम पे बहुत मेहरबान है. इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो? उन्हें सताने के लिए. अच्छा ठीक है, तो बोलो ऊंचा. भाई न जाने बाबा को कहां से मालूम पड़ गया कि तुम्हारी मुश्किलें अभी तक आसान नहीं हुई हैं. उन्होंने मुझे बुलाया और ये तावीज दिया और बोले इस तावीज के बाद और तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी. अच्छा, तो बाबा से कहना कि पहले तावीज का असर भी अच्छा हुआ है, आज मैं बहुत बड़ी मुश्किल से बच गई. कौन सी मुश्किल बेटी? पता है, मेरी शादी ना एक गलत लड़की से फिक्स हो गई थी. हाँ. अगर तावीज नहीं होता ना तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती. अरे भाई, जब तक बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, शैतान भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. हाँ. ये
मेरी तरफ से बाबा के चरणों में रख देना। अवश्य अवश्य। मुझे तो ये भी कलाकार लगता है, फ्रॉड लगता है। क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों कलाकार मिलकर हमें चूना लगा रहे हो? रोहित का गुस्सा प्यारे पे मत उतारो। जी करता है एक बार उसकी ताबीज खोल कर देख लो। क्या देखेगी उसमें? ये देखूंगी कि उसमें निकी की मुसीबतें दूर करने की दुआ है या क्या? हम सब की बर्बादी का पैगाम। बेटी ध्यान से, ये ताबीज कहीं नेहा के हाथ ना लग जाए, वरना नरेश सेठ मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किस और चांटे का मामला निकी का प्लान लगता है। अगर रोहित सचमुच कसूरवार होता तो क्या उसके डैडी इतने गुस्से में हमारे पास एक्सप्लेनेशन मांगने आते? मुझे लगता है निकी ये शादी कैंसिल कर देना चाहती है, इसलिए वो ये नाटक कर रही है। जरा सोचिए ना डैडी, निकी जावेद के माँ बाप से मिलकर आई, वहाँ पर सगाई और शादी तक की बात हो गई, इसका नतीजा क्या निकला? जावेद को उल्लू बनाकर राहुल से मिलने का जरिया बनाती रही। इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाक कैसे हो गई? You mean, वो अब तक राहुल से कांटेक्ट बनाए हुए? Yes, that's what I mean. गलत है तेरा ख्याल नेहा। मेरा भी यही ख्याल है कि तुम्हारा अंदाजा गलत है। क्योंकि रोहित से मिलने से पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल से हो गई थी, ठीक ठाक थी। अब तुम ही बताओ नेहा, किसी रेस्टोरेंट में सबके सामने अगर कोई अजनबी तुम्हें किस करने की बेहूदगी करे तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? अगर वो अजनबी मेरा होने वाला हस्बैंड हो तो मैं उस पर नाराज हो सकती हूँ, उसे चांटा नहीं मार सकती। और बाकी रही नॉर्मल होने की बात, तो ये भी तो हमारी आंखों में धूल झोंकने का नाटक हो सकता है। I don't think you are right. निकी इतनी चालाक नहीं है। वो इतनी चालाक है डैडी। अच्छा आप ही बताइए, निकी के डेली रूटीन में क्या टाइम फिक्स है? ना जागने का वक्त एक है और ना सोने का, ना खाने का ना पीने का, तो फिर सिर्फ शॉपिंग का वक्त फिक्स क्यों है? चार बजते ही बन ठन कर शॉपिंग का बहाना करके निकल जाती है। अगर वो नॉर्मल होने का नाटक ना कर रही होती तो क्या आप उसे बाहर जाने की इजाजत देते? नहीं देते, इसलिए ये नाटक किया है उसने। I don't agree with you. तो ठीक है, मैं साय की तरह उसका पीछा करूंगी। वो जहां जाएगी आई विल चेज हर लाइक अ शैडो। अब मेरा एक काम करो, अब राहुल के पास सीधे जाओ, उसे कहो कि आज वो मुझसे मिलने ना आए और उसे कारण बता देना प्लीज। ठीक है जाओ। डैमिट। मालिक, सरकार, माय बाप। क्या कर रहा था इतनी देर अंदर? अरे अपने निक्की बेटी को चमत्कारी बाबा के किस्से सुना रहा था। अच्छा। प्यारला जी, जी आप मुझे भी अपने उस बाबा के पास लेके चलिए ना। वो तावीज के लिए? जी हाँ। तो तुम्हें दिक्कत करने की क्या जरूरत है? मैं खुद ला दूंगा। नहीं, मुझे उनसे खुद मिलना है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि परमात्मा तक पहुँचे हुए लोग कैसे होते। तो ले चलूंगा किसी दिन। क्यों, आज क्यों नहीं? आज ही? हाँ अभी चलिए ना। क्या बचपना है यहाँ। क्यों डैडी, आपको इसमें क्या इतराज है? नेहा बेटी, वो क्या है कि बाबा जी अब फ्राइडे के फ्राइडे दर्शन देते हैं, आज तो सैटरडे हो गया। हाँ कोई बात नहीं, फ्राइडे भी आएगा ही। अरे ये सब बातें छोड़ो एंड विश मी लक। वाशी ब्रिज का टेंडर भरने जा रहा हूँ, आज लास्ट डेट है। ओह, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट डैडी। थैंक यू बेटे, सी यू देन। चलो प्यारे तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। चलिए टेक केयर। मामी, ये आदमी मुझे भरोसे लायक नहीं लगता, मेरी बात मान लो। एक मिनट। नेहा मल्होत्रा। हेलो, मैं रोहित बोल रहा हूँ, मैं प्लीज डॉक्टर निकी। क्यों? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं है रोहित, निकी विल नॉट मैरी यू। नेहा, जिंदगी के जरूरी फैसले हमें जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए, और जहां तक इस फैसले का सवाल है हम ये निकी पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा उससे माफी मांगना बहुत जरूरी है। रोहित का फोन है। हाँ। क्यों? निकी से माफी मांगना चाहता है। माफी? हाँ। इसका
मतलब है उसकी तरफ से बात खत्म नहीं हुई है? शायद। निकी को बुलाओ फिर फोन पर। निकी, निकी, प्लीज होल्ड ऑन, फोन है। कौन है? राहुल नहीं है। आप अपनी बेटी को समझा दीजिए। आई डोंट लाइक दिस टोन। मम्मी मुझे क्या समझाएगी निकी? समझना तो तुम्हें है और तुम शराफत से समझने वाली नहीं। फिनिश्ड? तुम अपने कमरे में जाओ, बात करो। हेलो मिस निकी मल्होत्रा, तुम्हारा बहुत बड़ा उद्धार है मुझ पर। उस चांटे की आवाज आज भी मेरे कानों में इस तरह गूंज रही है जैसे सन्नाटे में एक चीख। वो चांटा तुमने मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिलो दिमाग पर लगाया है, मेरे अभिमान पर लगाया है। ऐसा बदला लूंगा निकी कि तुम्हारी लोग काम उठेगी। Get lost. सावधान रहना निकी, जब भी घर से बाहर निकलो तो अपने होठों की इंश्योरेंस करा के निकलना, हो सकता है भरे बाजार में उन्हें चबा जाऊं। बाय निकी डार्लिंग, टेक केयर ऑफ योर लिप्स। स्काउंडल स्वाइन, क्या हुआ? माफी मांगी नहीं उसने? माफी? माँ ये बदले की धमकी दे रहा था। धमकी? कैसे धमकी? नहीं माँ, अब चिंता मत करो, कुछ नहीं। और वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते भी। हे भगवान, एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। पता नहीं इस घर में चैन और शांति कब होगी। बहुत बड़ा काम किया है तुमने करण। नरेश के अलावा जितने लोगों ने टेंडर्स भरे उन सब के फिगर्स तुमने मुझे ला कर दी। बिग जॉब बट वेल डन। और जिसकी फिगर का मुझे सबसे ज्यादा खतरा था वो प्यारे लाल ले आया। नरेश का टेंडर सबसे कम का था मगर मेरा टेंडर नरेश से भी कम का। अरे वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट तो अब मेरी मुट्ठी में आ गया। जश्न मनाएंगे करण। यस सर। बहुत बड़ा जश्न। और नरेश मल्होत्रा मनाएगा उतना ही बड़ा मातम। ये तो टेंडर भर चुका था ना, यहां क्यों आया ये? क्यों ये सेठ, भरा है टेंडर, मारा है अपनी किस्मत को ठोकर। मगर तुम तो टेंडर भर चुके थे ना। नरेश मल्होत्रा से राज जानना रेगिस्तान में पानी की नहर निकालने के बराबर है। जो भरा था वो नहीं भरा, जो नहीं भरा वो भरना है, नहीं समझे? अच्छा ही है वरना रात को नींद नहीं आएगी। ना इफ यू विल एक्सक्यूज मी आई मीन हरी। करण इसका क्या मतलब? जो भरा था वो नहीं भरा, जो नहीं भरा वो भरना है, क्या इसका मतलब क्या है करण? अरे श्योर, जो फिगर प्यारे लाल आपके लिए लाया था वो करेक्ट थी? अरे बिल्कुल, नरेश की दराज में उसके हाथ का भरा हुआ टेंडर था। मगर फिर आज यहाँ आया क्यों? अरे कहीं फिर तो नहीं दाया दिखाकर बाया मार गया? कहीं मेरा ही जश्न तो नहीं मेरी बर्बादी में बदल जाएगा? नेहा, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, आ रही हूँ? नहीं, मैं क्या करूंगी वहां जाके? तू जा, मुझे नहीं आना। Are you sure? हाँ, I'm sure. तू जा, bye, see you. See you. नेहा, छे मम्मी टोक दिया ना। कहाँ जा रही हो? जरा लाइब्रेरी तक। लाइब्रेरी तक या अपनी बहन का पीछा करना? हाँ, निकी का पीछा करना। बिला वजह परेशान हो रही है तू नेहा, आज पता चल जाएगा मम्मी। नेहा सुन तो, मम्मी देर हो रही है, बाय, सी यू। ओफ़, एक से बढ़ के एक जिद्दी है इस घर में। सॉरी प्यारे अंकल, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे बरखुरदार, इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। लेकिन मुझे निकी से मिलने जाना ना, मैं जानता हूँ,
और मैं ये भी जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि आज मोहब्बत बंद है। लेकिन क्यों राहुल? वो यूं कि नेहा को निकी पे शक हो गया है और आज जासूसी करने के लिए वो उसके पीछे जाने वाली थी। लकीली हमको पता लग गया और निकी ने मुझे यहां ये कहने के लिए भेजा है तुम्हें कि आज मोहब्बत बंद है, समझे? शिट। देखो राहुल, मुझे लगता है कि नेहा अभी भी तुम्हें दिल से नहीं निकाल पाई है, इसीलिए वो इतनी जलस। दिल से तो मैं भी नहीं। क्या क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं, जरा एक बार फिर कहना। सुनकर करोगे भी क्या? अमा राजदारों से राज। अरे सीने में कोई दर्द है तो हमें बताओ, अंगूरी अंदर गई के इलाज हमने निकाल दिया। थैंक्स, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। अमा चाय किसको चाहिए, अपनी तो एक ही माशूका है, अंगूरी। डोंट वरी प्यारे, उसका भी इंतजाम हो जाएगा, फिलहाल चाय पी लो। ओके। सीने में कोई जख्म तो है जो दर्द बनकर जुबां पे आया। ये नेहा का नाम लेते लेते रुक क्यों गया? देयर इज समथिंग, सम गड़बड़। यस।